अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। आज की इस वीडियो में हम करेंगे जी असाइनमेंट नंबर 1। कोर्स कोड है जी 8611 स्प्रिंग 2020। ये असाइनमेंट मैं वैसे अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन कुछ बच्चे कह रहे थे कि उनके पास बुक्स नहीं है, तो मैंने सोचा कि आपको इसके आंसर्स के जो पेजेस हैं वो वन बाय वन दिखा दूँ जूम करके। लेकिन इससे पहले, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे पहले सब्सक्राइब कर दें। सो हम क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देखें, आपको मिल जाएगा पेज नंबर 12 एंड 14 पे। तो मैं आपको पेज नंबर 12 और 14 दिखा देती हूँ बुक से। ये जी पेज नंबर 12, इसको हम जूम कर लेते हैं ताकि आपको वर्ड्स क्लियर हो जाएं, लाइक दिस। ठीक है जी, ये है जी पेज नंबर 12 का फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ से। ठीक है जी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है जी ये सेकंड पैराग्राफ इसका। एंड देन थर्ड है जी दिस वन। ये है जी पेज नंबर 12। देन नेक्स्ट है जी पेज नंबर 13। ये इसका स्टार्टिंग है जी पैराग्राफ। एंड देन दिस वन। देन दिस वन पेज नंबर 13। नेक्स्ट है जी पेज नंबर 14, जो लास्ट पेज है इसका आंसर का, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं, देन यहाँ पे एंड हो जाता है। ठीक है जी, पेज नंबर 14 की एक्टिविटी आपने नहीं लिखनी, ये वाली हेडिंग भी स्टार्ट नहीं करनी, मैं जस्ट पेज नंबर आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये एंड हो जाएगा। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको मिल जाएगा पेज नंबर 34 से 36 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। थर्टी फोर पेज नंबर यहाँ से स्टार्ट है जी। फर्स्ट हेडिंग से आपने यहाँ से लिखना है सोशल क्लास थ्योरी से, लाइक दिस वन। ये लीजिए। ठीक है जी, फर्स्ट पैराग्राफ है ये इसका। देन सेकेंड है, एंड देन ये जी थर्ड पैराग्राफ है इसका। पेज नंबर है जी ये 34। ठीक है जी, यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। देन है जी पेज नंबर 35 का ये स्टार्टिंग पेज है। ये है जी इसका सेकंड पैराग्राफ। देन नेक्स्ट ये अब मैं आपको दिखा रही हूँ पेज नंबर 35। ये ठीक है जी, नेक्स्ट है पेज नंबर 36। पेज नंबर 36 स्टार्ट हो रहा है जी यहाँ से। इनइक्वालिटीज से, देन दिस वन सेकेंड पैराग्राफ है जी इसका। ये फिर ये थर्ड पैराग्राफ स्टार्ट हो जाएगा। एंड ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है जी, पेज नंबर 36। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जी मिल जाएगा आपको पेज नंबर 54 पे, और बाकी एक मैंने लिंक अपनी पिछली वीडियो में दे दिया था, आप वहाँ से देख लीजिएगा इसको। पेज नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है जी इसका। तो ये है जी पेज नंबर 54 स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। हेडिंग देख सकते हैं, टीचर एंड लर्निंग इन 21st सेंचुरी।
टीचिंग एंड लर्निंग। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। से कुछ पॉइंट्स हैं, एंड देन पॉइंट 3, 4, 5, एंड ये रहा जी पॉइंट नंबर 6। पेज नंबर है जी ये 54, सॉरी। ठीक है जी, इसका बुक से एक ही पेज है जस्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर आपको मिल जाएगा 72 से 77 पे। देन जी पेज नंबर 72 पे आ जाते हैं, ये राजी पेज नंबर 72। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, क्लासरूम असेसमेंट टेक्निक्स। इसका फर्स्ट पैराग्राफ हो गया, देन ये इसका सेकंड पैराग्राफ है, एंड दिस वन इज थर्ड वन, 72 पेज नंबर। नेक्स्ट है जी 73 पेज, यहाँ से शुरू हो रहा है जी ये, देन दिस वन, इसमें सारी हेडिंग समेत हमें गिवन है, पेज नंबर 73 था ये। पेज नंबर 74 नेक्स्ट देख लेते हैं। देख लें जी, क्लासरूम असेसमेंट टेक्निक्स आर बेस्ड ऑन 7 असम्पशंस, और ये 7 पॉइंट्स हैं। देन फिर इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, पेज नंबर 74। एंड देन है जी पेज नंबर 75, Why to use cat, से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं। ये सारी जी आपको मिल जाएंगे पेज नंबर 75 पे। 77 तक इसका आंसर है, लास्ट 2 पेजेस हैं जी ये। पेज नंबर 76, सेकंड पैराग्राफ, यहाँ से थर्ड पैराग्राफ शुरू हो रहा है, क्लासरूम से दिस वन, एंड देन स्टूडेंट्स में भी से नेक्स्ट शुरू हो जाएगा। ये राजी पेज नंबर 76। कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है जी पेज नंबर 77, ये लास्ट पेज है इस क्वेश्चन का। इधर पॉइंट्स तक, नीड्स तक आपने क्वेश्चन एंड कर देना है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है जी 83 से लेके 89 तक। सो हम ये देख लेते हैं 83 पेज से लेके 89 तक। सो पेज नंबर 83 इज हियर लाइक दिस, ये है जी पेज नंबर 83। यहाँ से हम स्टार्ट कर लेंगे इस हेडिंग से, यहाँ से। Then this paragraph, और ये आखिर में एक बॉक्स गिवन है। पेज नंबर 84 है जी यहाँ पे स्टार्ट हो रहा।
सेकंड पैराग्राफ है अकॉर्डिंग टू जॉन स्टेवे थ्योरी। फिर इसके कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक होगी जी, 5 पॉइंट्स हैं इसके एंड देन ये कुछ पैराग्राफ्स हैं। देन है जी 85 पेज नंबर, ये रहा जी, ये थिंकिंग टाइम का एक बॉक्स बना हुआ है, देख लें। चलो ये तो हम बेशक ना भी बनाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट पैराग्राफिंग से ही पूरा हो जाता है। नेक्स्ट ये टॉपिक है, होपफुली आप स्क्रीनशॉट्स ले चुके होंगे, पेज नंबर 85 है ये। देन आ जाता है जी पेज नंबर 86। 86 पेज नंबर स्टार्ट हो रहा है जी यहाँ से। इसके कुछ पॉइंट्स गिवन है। ये आ गया जी। और एक बात मैं आपको और बताती चलूँ कि जो है ऐसा भी हो सकता है कि स्क्रीनशॉट लेते हुए अगर आप वीडियो क्वालिटी बेहतर कर लेंगे, अपनी हाई क्वालिटी कर लेंगे, तो और भी अच्छा स्क्रीनशॉट आपको क्लियर आएगा। और वो आपने कैसे करना है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मेरे चैनल पर एक वीडियो पड़ी हुई है हाउ टू मेक PDF वर्ड्स क्लियर, आप वहाँ से देख के उसको कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो ये भी मेरी कोशिश है कि आपको समझ आ जाए, लेकिन उससे और ज़्यादा बेहतर क्वालिटी हो जाएगी। पेज नंबर 87 है जी, ये पैराग्राफ हो जाएगा। ठीक है जी, दिस वन। फिर ये डायग्राम आ गई है, ये लें जी डायग्राम। ठीक है जी, ये ले 7 के बाद 88 एंड देन लास्ट है जी 89। फिलहाल ये लें जी 88 पेज नंबर है ये। ठीक है जी, थिंकर्स डिसाइडर्स, ये कुछ हेडिंग्स के साथ आपको बहुत अच्छे से करके क्वेश्चन गिवन है। फोर स्टेजेस ऑफ लर्निंग साइकिल एंड देन पेज नंबर 88 एंड हो रहा है यहाँ पे। लास्ट है जी पेज नंबर 89। इसके साथ ये एक एक्टिविटी और साथ नीचे एक फ्लो चार्ट गिवन है। एक्टिविटी आप छोड़ दें, ये फ्लो चार्ट देख लें, यह है जिसका फ्लो चार्ट पेज नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे एंड होता है। होपफुली आपको तमाम क्वेश्चन के आंसर्स जो हैं वो समझ आ गए होंगे और आपने स्क्रीनशॉट्स ले लिए होंगे, आपको लिखने में इससे आसानी होगी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके लिए ज़रा भी हेल्पफुल रही है तो इसे ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।